तो गाइस अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है कि सबसे पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा। आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ फैक्ट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टॉपी देना ये देना ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। तो दोस्तों, दुनिया में कैसी कंट्री है जहाँ पर अगर आप भूखे हैं या फिर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, यानी कि आप बन जा रहे हैं, तो आप कहीं से भी कहीं पर भी खाना चुरा के खा सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपके पास पैसे हैं या फिर आपका अपना खुद का घर है और आपने खाना चुरा के खाया, तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपको इसका हर्जाना देना पड़ सकता है। मुझे पता है कि आपको ये भीड़ लग रहा होगा सुनने में कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर आप खाना चुरा के खा सकते हैं अगर तो आप होमलेस हैं और साथ ही साथ आपके पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों, मजाक की बात साइड में, ये जो कंट्री है इसका नाम इटली है। यहाँ के हाईकोर्ट ने ये रूल पास किया है 2016 में कि अगर आप होमलेस हैं और साथ ही साथ आप भूखे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सीधी तरीके से जाके किसी भी शॉप से खाना लेके खा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा जब तक कि आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप होमलेस नहीं है। तो ये मैं सोचता हूँ गाइस कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्डर पास हुआ है बाय इटली हाई कोर्ट। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं गाइस, मुझे नीचे कमेंट में बताना। अब मैं दोस्तों आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने एंटरटेनमेंट मूवी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो हुआ ये गाइस कि उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी एक कुत्ते के नाम कर दिया है। जी हाँ गाइस, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी एक कुत्ते के नाम कर दिया है और आधी अपनी पीवी के नाम। तो हुआ ये गाइस कि उसे अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, इन द सेंस कि गाइस उसे अपने बच्चों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आने वाले टाइम में वो उनका ख्याल रखेंगे। तो इसीलिए गाइस उसने अपने विल में आधी प्रॉपर्टी एक कुत्ते को दे दी जिसका नाम जैक था। और ये सब एंटरटेनमेंट मूवी आने के बाद हुई है। मुझे लगता है गाइस इस इंसान को एंटरटेनमेंट मूवी ने कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया विल बनाने के लिए। तो देख लो भाई लोग, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ बहन लोग, अगर तो आप अपने मम्मी पापा का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपका पेट आपका सारा माल हड़प सकता है। ये आपके अंडर है कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप सारा अपना विल अपने पेट को देना चाहते हैं या फिर अपने पास रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, बचपन से लेके अभी तक हम लोग बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि एक शब्दों के बहुत सारे शब्द बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि पवन, वायु, हवा और क्या कहते हैं उसे। लेकिन कमाल की बात यह है गाइस कि हम लोग उन वर्ड्स को सिर्फ पर्यायवाची शब्द में यूज करते थे, आम जिंदगी में हम उसे यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए एयर को ही ले लीजिए गाइस, हम लोग एयर को हिंदी में हवा कहते हैं। कोई बहुत ही रेयर देखा होगा गाइस कि आपने कोई इंसान कह रहा है पवन या फिर वायु जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे वर्ड तो हम जनरली हम बस हिंदी में आंसर देने के लिए लिखते थे, जल्दी जल्दी बस मार्क्स मिले और हम पास आउट हो जाएं। अगर गाइस वहीं पर मैं आपको ये बोलूं कि स्नोफॉल हो रही है यानी कि बर्फ गिर रहा है, उसे क्या क्या बोल लेंगे आप, मतलब कि उसके कितने शब्द में उसे एक्सप्लेन कर लोगे आप? तो जनरली आप यही बोले हो गाइस, इंग्लिश में स्नोफॉल, हिंदी में बर्फ पड़ रही है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता गाइस कि आपके पास कोई वर्ड होगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जहां पे इस शब्द को 421 वर्ड में एक्सप्लेन किया जाता है? यानी कि गाइस, इस वर्ड को बोलने के लिए 421 अलग अलग वर्ड हैं। हमसे यहाँ तीन या चार नहीं याद हो रहते हैं, इन लोगों ने 421 वर्ड निकाल के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस, मुझे भी याद नहीं, मेरे को देख के बोलना पड़ेगा। अगर बर्फ गिर रही है तो उसे बोलते हैं फीफली, और गाइस इस कंट्री का नाम स्कॉटलैंड है। तो अब हम जानने वाले हैं दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल का जवाब कि सबसे पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सवाल है जिसने बहुत सारे लोगों का दिमाग तो खराब किया ही किया होगा। इवन कई बार तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई कौन आया सबसे पहले, मुर्गी या फिर अंडा। तो गाइस टाइम आ चुका है इस सवाल का जवाब जानने के लिए, तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो गाइस, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि सबसे पहले मुर्गी आई, यानी कि मुर्गी और अंडे में से सबसे पहले मुर्गी आई, क्योंकि गाइस जो अंडे के शेल में प्रोटीन पाया जाता है वो सिर्फ मुर्गी के अंदर ही पाया जाता है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि सबसे पहले मुर्गी आई। थैंक्स साइंटिस्ट, मजा आ गया बात सुन के यार, कम से कम आपने प्रूफ कर दिया। फाइनल क्वेश्चन का जवाब आ चुका है गाइस कि सबसे पहले कौन आया है, यानी कि सबसे पहले आई है मुर्गी, उसके बाद आया है अंडा। लेकिन एक मिनट, फिर ये मुर्गी कहाँ से आई? सारा क्वेश्चन घूम फिर के फिर से वापस वही आ गया गाइस कि सबसे पहले कौन आया। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब अभी भी पेंडिंग है, लेकिन आप लोगों का सब्सक्राइब बटन को ग्रे करना पेंडिंग नहीं होना चाहिए।
तो इसीलिए अभी उसे ग्रे कर दो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना गाइस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर गाइस ज्यादा ही पसंद आया तो अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।